बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी अंबर जागा, धरती जागी अंबर जागा, तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है, ब्रह्म मुहूर्त है जागो, मेरे लाडलो जागो, जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन, प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो। अखियां खोलो शिव शिव बोलो, अखियां खोलो शिव शिव बोलो, बच्चो आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाड
लाडलो जागो मेरे लाडलो जागो। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। वो उससे ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया ये गीत लिख कर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। अब मम्मा सिर्फ गाती ही नहीं थी परंतु लिखती भी बहुत अच्छा थी। तो मम्मा ने यह गीत लिखा कि ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा और मैंने क्या पाया। जब ये गीत लिख करके लिखा हुआ गीत बाबा को सुनाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। फिर बाबा ने क्या किया, रोज़ एक गीत लिख करके मम्मा को देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गा करके सुनाने लगी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे, मग्न हो जाते थे और खो जाते थे। उनके दिल पर जैसे कि एक अमिट ओम की छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। आगे माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। इस प्रकार ओम मंडली में ओम राधे का प्रवेश होना, ओम राधे के नाम से मम्मा को जानना और ओम राधे के नाम से प्रचलित होना, यह मम्मा का बाल्यकाल का जीवन शुरू हो चुका। ध्वनियों ब्रह्म से
शिव बाबा पधारे ओ पांची स्वरूप
जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। सस
हम सब चमकते हुए आत्माएं परम ज्योति में परम धाम में शांति धाम में धीरे धीरे उड़ते उड़ते जा रहे हैं। हम सब अनुभव कर रहे हैं कितनी दूर से भी चमकता है, मैं आत्मा भी दूर धाम में रहने वाली हूँ। मेरा निवास स्थान परम धाम है, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। परम धाम मेरा अपना घर है। मैं आत्मा स्टार अपने घर में आ गई हूँ। पूरा सृष्टि के ऊपर मेरी चमक दिखाई दे रहा है। अंधियारी रात में मैं चमकती हुई सितारा टिमटिमाती हुई जगमगाती हुई पूरे विश्व की ओर चक्कर लगाती हुई चमक को रोशनी के रूप में सभी को प्रकाश में देती जा रही हूँ। मेरे पिता परम आत्मा परम ज्योति परम प्रकाश मेरे अंदर शक्तियों से भरपूर करते हुए मेरे साथ साथ है। मेरे साथ साथ ही चारों ओर की दुखी अशांति आत्माओं को किरण के द्वारा प्रकाश के द्वारा सुख शांति आनंद प्रेम ये सब शक्तियां अशांति आत्माओं के ऊपर शांति का दान देते हुए अब सभी हाथ अपना वरदान की तरफ हाथ कर ले और बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ और ये तड़पती हुई आत्माएं यहाँ पर आकर सुख शांति
आनंद प्रेम भरपूर होकर जा रही है। मैं स्टार मिसल चमकते चमकते सामने वाली स्टार को देख रही हूँ। कितना सुंदर ये दृश्य है, चमक ही चमक है। मेरे साथ स्वयं भगवान मेरे पास है। मैं ये अनुभव कर रही हूँ। सारी आत्माएं चमकती जा रही है। सोलह कलाओं से संपूर्ण बनती जा रही है। सारी आत्माएं चमक चमक कर जा रही है।
उमंग उत्साह को लिए सर्वशक्तिमान का साथ है, सहारे उड़नी कला में जा रही है, मुझे निर्विघ्न बनने का वरदान स्वयं वरदाता ने दिए हैं। एक बल एक भरोसे हर परिस्थिति को शांत चित होकर पास करना कर रही हूँ। तन की व्याधि को भी शांति से साक्षी अवस्था में रुकोटि के बीच हूँ। मेरी वृत्ति में सर्व के लिए केवल शुभ कामना शुभ भावना और ही है। मुझ आत्मा में शांति के प्रकंप फैल रहे हैं, जो वातावरण को भी शांत बना रहे हैं। मैं शांति का अवतार हूँ, मुझसे हर आत्मा को शांति की महसूस कर रही है। इस शांति के शक्ति से आपस की संबंध भी मधुर हो रहा है। मेरा स्वभाव शांत है, संस्कार मिलन है, सार खुशियाँ हो रहा है। मेरे शब्द सार और युक्ति युक्त है। आपका बारंबार शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बाप दादा अपने हमें हर परिस्थिति में शांत रहना सिखलाया। ओम शांति। तामय जगदम्बा।
जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी पाल।
शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन। तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना सरसवाणी ने मधुर अनोखे राज थे। स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे। पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Thank you.
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ, तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे ना, तब तो अर्जुन को कारण ही सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना, तब तो कारण सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले है, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सबको भी भूलो। कहा ने उसमें तो कहा है मारो, ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो, परंतु मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं, भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो, उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया तो इन गुरुओं को भी भूलो, और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो, अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगाओ, बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी, इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना, और यथारथ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथारथ नहीं देंगी, इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं, ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम, इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो तो उसके हाजरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है, फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ, मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना, ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है, कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है, लेकिन ये सत्ता तो रही है जिसमें हम दुख और अशांत और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही है, उसमें उनकी व्यापकता रखना ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। और यथारथ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं, जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है, इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन ये सभी बातों को समझना चाहिए। परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही एक ही थोड़े यार, मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही एक, एक ही एक ऐसा होगा। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए, सबको मिला करके एक करने से। यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए है ना। यथारथ ऋषि अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना तभी हमको उनका यथारथ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की, जिसके ऊपर तो बहुत टाइम है, समझने की बातें है। बाप की दुनिया कोई और नहीं है, हा? जिसमें अभी है इसको कही जाएगा पाप की दुनिया, पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कही जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना, हा? देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई, वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए, तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कहीं ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है, तो विश्व हो गई नहीं सारी। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं, सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे वो समझने की बात है कि वो कैसे बने,
बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और अशांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना, देखो थके है ना, कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो। और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है, उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को पांच विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णव रखना है तो विकारों से वैष्णव रखने का है। ओम शांति। आज की तारीख है 7/6/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, तो हमारी समस्या ये है कि हमारा एक दो से आपस में अति प्यार होना चाहिए परंतु कभी कभी देखा गया है कि नहीं होता। दूसरी बात, बाबा कहते हैं तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, यानी हम हरेक को ऐसा प्रेम दें जैसे गंगा हरेक को पतित से पावन बनाती है, परंतु हम सभी को प्रेम दे नहीं पाते। जिनको हम अपना समझते उनको प्रेम देते हैं, नहीं समझते उनको नहीं देते। तीसरी बात हमारी, बाबा कहते हैं कि कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं और हम लड़ते झगड़ते हैं, क्यों, कारण क्या? तो आइए सुनते हैं बाबा, समाधान बताते हैं, कारण बताते हैं कि तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। हम एक परम पिता परमात्मा के संतान हैं, बच्चे हैं, तो हमारा संबंध आपस में भाई भाई का है। अगर हम इस संबंध से एक दो से मन वाणी कर्म से व्यवहार करेंगे तो ये तीनों बातें समाप्त हो जाएंगी। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है कि जो श्री मत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं वो प्यारे लगते हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं
कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, यानी दुख नहीं देते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति संबंध से। फिर वो कभी रूठते नहीं, रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लूण पानी होते हैं, यानी झगड़ते हैं, वो बाप की इज्जत गंवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। धारणा के लिए मुख्य सार दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम के सागर पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो बाबा का गुण वो हमारा गुण होना चाहिए। नंबर दो, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद न आए। वरदान आज का, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा। जो अधिकारी होगा उसके पास सब कुछ होगा, यानी राजा को जैसे राजाई का नशा होता है, और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। हमारे जैसा बेहद का वैराग्य कोई करता नहीं, कर भी नहीं सकता, ये भी एक अलौकिक नशा है। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। हम क्या करते हैं, जिससे बनती नहीं, जिससे लड़ाई झगड़ा होता, हम उनसे किनारा कर लेते हैं। परंतु बाबा कहते हैं किनारा नहीं करना है। ये पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।